मिर्जापुर की दरी अब टोक्यो में बिखरेगी जलवा, जापान की मेहमान बनेंगी गांव की महिलाएं। इसके लिए सिटी ब्लॉक के खजूरी गांव की स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को जापान से न्योता मिला है, जहां पर यह अपनी कला को प्रदर्शित करेंगी। न्योते की जानकारी होने पर समूह की महिलाएं काफी खुश है। इसी बहाने उन्हें अपनी हस्तकला और देश का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के भदोही और मिर्जापुर जनपद की कालीन और दरी देश विदेश में पहले से ही प्रसिद्ध है। उनके उत्कृष्ट कार्य और डिजाइन के कारण इसकी हमेशा से ही मांग रही है। लेकिन अब मिर्जापुर जनपद की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी इस काम से जुड़कर बेहतरीन दर्जे की दरी और धागों से बनी उत्कृष्ट कला का प्रदर्शन कर रही है और इनकी बिक्री से समूह की महिलाओं को आर्थिक फायदा भी हो रहा है, जिससे वह स्वावलंबी बनने के साथ ही आत्मनिर्भर भी हो रही है। अपनी कला और मेहनत के चलते ही आज खजूरी गांव में बने स्वयं सहायता समूह को जापान में अगले साल लगने वाले कालीन मेले में शामिल होने के लिए न्योता मिला है। समूह के अध्यक्ष अफसाना बेगम कहती है कि हमारे समूह में करीब 10 महिलाएं जुड़ी है। कहती है, इससे हमें अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा, साथ ही वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, क्योंकि मेले में कई देशों के लोग भाग लेंगे। इस बारे में मुख्य विकास अधिकारी अविनाश सिंह ने बताया कि काफी खुशी की बात है कि हमारे जनपद की महिलाओं को विदेश की धरती पर अपने हुनर के साथ देश का नाम रोशन करने का मौका मिला है। इन महिलाओं को लाने और ले जाने की व्यवस्था MSME विभाग करेगा। साथ ही कहा कि इनकी हस्तकला की ख्याति को देखते हुए ही इनको आमंत्रित किया गया है। हम समूह से जुड़ के कार्य करते हैं और दरी अपने 11 दीदियों के साथ कालीन दरी कालीन का काम करते हैं और इसी के माध्यम से हमको हर जगह जाने का मौका मिलता है। जैसे हैदराबाद, दिल्ली और शिलांग जाने का हमको मौका मिला है। अब हमको मौका मिला है विदेश जाने का, जापान। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि जनपद मिर्जापुर के खजूरी ग्राम की स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं जो कि कारपेट, फुट मैट आदि बनाती हैं, उनको वर्ष 2021 में जापान देश में होने वाले कारपेट फेयर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। यह बहुत ही गर्व और बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे जनपद की इन महिलाओं को एक विदेश की धरती पर जाकर अपना हुनर दिखाने का और देश का नाम ऊंचा करने का मौका मिला है। और ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इसके पहले भी हमारे देश के विभिन्न राज्यों में जाकर वहां पर लगने वाले प्रदर्शनियों में अपनी हस्तकला का जो जौहर है उसको दिखा चुकी हैं और निश्चित रूप से इस प्रकार की जो बाहर जाएंगी, इनको जो नया एक्सपोजर मिलेगा जब वहाँ पर वो विभिन्न देशों के लोगों की जो कला है उसको देखेंगी, उससे सीखेंगी, तो निश्चित रूप से जब वो लौट कर हमारे देश में आएंगी तो उससे हमारे देश के भी इस प्रकार के हस्तशिल्प से जुड़े हुए लोगों को बहुत फायदा पहुँचेगा। मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।